महामारी से जूझ रहे देश में अब तीसरी लहर की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। सरकार ने जमीनी स्तर पर जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री राहत कोष पीएम केयर फंड के जरिए राज्यों को मिले संसाधनों का ऑडिट भी शुरू हो चुका है। दिल्ली मुंबई सहित कुछ महानगरों में यह काफी गोपनीय तरीके से किया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार की एजेंसियां शामिल नहीं है। अलग अलग शहरों में मौजूद ये टीमें हर दिन का डाटा तैयार कर रही है, जिनमें वेंटिलेटर बेड आईसीयू की वर्तमान संख्या और उनके उपयोग के अलावा जांच किट्स इत्यादि के इस्तेमाल पर जानकारी ली जा रही है। अब तक मिली जानकारी में पता चला है कि पीएम केयर फंड के जरिए राज्यों को 38,000 से अधिक वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन उनमें से काफी वेंटिलेटर संचालित भी नहीं हुए। हाल ही में पंजाब गई केंद्रीय टीम ने भी अपनी रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की है। इन्हीं वेंटिलेटर का सच पता लगाने के लिए टीमें ऑडिट कर रही है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भले ही नए मामले अभी कम हो रहे हो, लेकिन अस्पतालों में स्थिति काफी गंभीर है। दो लहर देखने के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि देश में काफी सख्त तैयारियों की आवश्यकता है, इसलिए अब पूरा ध्यान तीसरी लहर की ओर है। उन्होंने कहा कि शायद लोगों का व्यवहार सही रहा तो अगली लहर न देखने को मिले, लेकिन सरकार को अब तैयार रहना ही पड़ेगा। दरअसल पिछले सप्ताह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ऑडिट के निर्देश दिए थे। देश की राजधानी दिल्ली से इसकी पहली शुरुआत हुई है। यहाँ के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को फोन करके हर दिन यह डाटा एकत्रित किया जाता है कि उनके यहाँ कितने आईसीयू और वेंटिलेटर बेड खाली पड़े हैं।